कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि इस डबल इंजन वाली सरकार से जनता त्रस्त हो गई है, इसलिए अब आने वाला समय कांग्रेस का है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला में कहा, आने वाला समय कांग्रेस का है क्योंकि देश और राज्य की जनता डबल इंजन वाली सरकार से त्रस्त है। सरकारी पदों को खत्म कर आरक्षण देने की व्यवस्था को भाजपा ने औचित्यहीन बना दिया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी पदों को बहाल करेंगे और रिक्त पड़े पदों को आरक्षण के तहत भरेंगे। कांग्रेस सरकार आते ही 2024 से खाली पड़े पदों को भरने का काम शुरू किया जाएगा। हमने कहा है कि जो है जो आरक्षित पद हैं, जिस तरीके से संवैधानिक आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से पदों को भरा नहीं जा रहा है रिक्त पड़े हुए, और जो पद जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उनको पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है, और इससे आरक्षण को पूरी तरीके से निरर्थक बनाने का जो प्रयास हो रहा है वो संवैधानिक न्याय के लिए उस पर प्रहार है, चोट है। हम सत्ता में आएंगे तो हम 2014 को मापदंड मान करके जो पद खाली पड़े हुए हैं उन सारे पदों को भरेंगे। रावत ने कहा, भाजपा सरकार को किसी भी काम का श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं है। महिला आरक्षण को भाजपा लटकाने पर तुली है, जबकि कांग्रेस सत्ता में आते ही महिला आरक्षण लागू करने का काम करेगी। डोईवाला की पहचान गन्ना शुगर मिल को भाजपा की सरकार बंद करने का षड्यंत्र रच रही है, जिसे कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी। वहीं गन्ना किसान को गन्ना मूल्य 425 रुपये क्विंटल से ज़्यादा दिया जाए, जब तक किसान की मांग को भाजपा सरकार पूरा नहीं करती तब तक कांग्रेस किसान के साथ मिलकर किसान सम्मान पद यात्रा का आयोजन कर सरकार को नींद से जगाने का काम करेगी। डोईवाला चीनी मिल को बेचने का जो षड्यंत्र है, हम उस षड्यंत्र के खिलाफ हैं। इसका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और इसकी वजह से यहाँ सारा ग्रीन बेल्ट जिंदा है, तो हम चाहते हैं उसका मॉडर्नाइजेशन भी हो और साथ साथ चीनी गन्ने का खरीद मूल घोषित हो और वो 425 से ऊपर किया है कि हमारी जो किसान सम्मान यात्रा चल रही है, जिसको लेकर के हमने जिन मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री को, उसमें ये मांग भी सम्मिलित थी। हम जो है वो किसान सम्मान यात्रा जो है डोईवाला में भी निकालेंगे और इस माह के अंदर भी निकालेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो बातचीत करके छिद्रवाला श्यामपुर क्षेत्र में भी निकालेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।